में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में मॉडुलस फंक्शन पढ़ रहे थे, अभी वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन लास्ट यही पढ़े थे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ना कि ये सब प्रॉपर्टीज आपको याद रखना होता है, तो क्या होता है कि कोई एक क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में बन जाता है और ज्यादा इसका कुछ यूज नहीं। सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी मॉडुलस के अंदर कोई वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट k के इक्वल है, तो वैसे केस में x का वैल्यू प्लस माइनस k मिलेगा, और k यहाँ पे क्या है, k कॉन्स्टेंट है, ये मिल सकता है आपको। दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इक्वल है तो आप ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस x, आप ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू प्लस माइनस y, आप ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू मॉड y होगा, या आप लिख सकते हैं कि मॉड x इज इक्वल टू y होगा, ठीक है। इसके कारण, इस एक पर्टिकुलर रिलेशन के कारण आप ये चार रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए ऐसा हो सकता है, ये चीज। थर्ड मॉड कैसे आता है, कहां से आता है, वो सब चीज। रूट अंडर अगर एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है मॉड एक्स को। रूट अंडर एक्स स्क्वायर आपको सिखाया गया होगा कि अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर है तो तुम इसको एक्स लिख दो, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है तो कोई कोई हमसे ये भी बोल सकता है कि सर प्लस माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, ठीक है, प्लस माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। वैसे केस में देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये प्लस माइनस एक्स ही तो यहाँ मॉड एक्स है, ठीक है, ये जो प्लस माइनस एक्स आया है वही चीज यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स है, इसलिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर किसके बराबर, मॉड एक्स। और एक बात याद रखेंगे, रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है, ये स्क्वायर रूट है, इज पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है वैसे स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट ये सब चीज आपको फॉर्मूला की तरह छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखना पड़ेगा। देखिए अगला बात ये कर रहे हैं कि अगर दिया हुआ है कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एनी कॉन्स्टेंट के, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन के है तो आप क्या लिख सकते हैं, याद आया इनइक्वालिटी में पढ़े थे ये चीज। अब हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन के, ध्यान से, एक्स इज ग्रेटर देन के बट एक्स इज लेस देन माइनस के, ठीक है, एक्स जो है वो के से बड़ा होगा मगर माइनस के से क्या होगा, छोटा होगा। एक्स इज ग्रेटर देन के बट एक्स इज लेस देन माइनस के। अच्छा, ये चीज हमको एक और बात सिखाता है, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन के लिखा तो हम तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन प्लस माइनस के, मॉड हटा तो दूसरे साइड में क्या लग गया, प्लस माइनस लग गया। अब प्लस के साथ साइन वही रहेगा, माइनस के साथ इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा, तो इसी को हम बोले कि एक्स ग्रेटर देन के होगा और एक्स माइनस के साथ साइन चेंज करेगा, लेस देन माइनस के होगा, एक्स लेस देन माइनस के। ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा इनइक्वालिटी वाला पार्ट, माइनस के यहां पे के, तो कह रहा है के से ग्रेटर इधर जाएंगे और माइनस के से लेस इधर आएंगे, यानी कि अगर आपसे ये बोला कि मॉड एक्स ग्रेटर देन के है तो आप बोलिएगा देखो एक्स बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस के और यूनियन के से लेके इंफिनिटी। इस पर्टिकुलर पार्ट का इंटरवल के साथ ऐसा कुछ रिलेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में फिफ्थ नंबर में देखिए, अगर लिखा कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू समथिंग आर, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू आर, तो आर यहां एक कॉन्स्टेंट है, हम क्या लिखेंगे कि एक्स लेस देन इक्वल्स टू प्लस माइनस आर। तो अभी जो सीखे थे, प्लस साइन रहेगा इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, माइनस साइन रहेगा इनइक्वालिटी चेंज होगा, तो इसका दो पार्ट, एक होगा x लेस देन इक्वल्स टू r और एक होगा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। अब देखिए नंबर लाइन पे अगर हम इसको पुट करना चाहें, कौन कौन है नंबर मेरा, माइनस r और प्लस r, ये क्या कह रहा है कि माइनस r से ग्रेटर होगा इधर जाएंगे, दूसरा कह रहा है कि r से लेस होगा इधर आएंगे, क्या कॉमन पार्ट दिखा ये वाला, तो हम मेंशन कर सकते हैं अगर कभी हमको मॉड में ये कंडीशन दिखा, इफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट आर, तो हम ये कह सकते हैं देन एक्स बिलोंग्स टू फ्रॉम माइनस आर अप टू आर, क्लोज माइनस आर से लेके कहां तक, आर तक।
अब ये क्लोज होगा कि ओपन होगा वो तो डिपेंड कर रहा है कि इक्वल टू लगा है कि नहीं लगा है। ऑलरेडी हम लोग ये चीज सीखे हुए, अगर इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल टू नहीं लगा हुआ है जैसे यहां पे था नहीं लगा हुआ था तो ओपन इंटरवल, बस वही कॉन्सेप्ट लेके चलना। ये सब मॉड का कुछ एप्लीकेशन है, क्योंकि मॉड नहीं पढ़े थे इसलिए इनइक्वालिटी में हम उसको यूज नहीं किए थे, तो उससे रिलेटेड पार्ट्स बता रहे अभी। नोट कर लिया आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ में आया ना बताइएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन में हम इसका एप्लीकेशन नहीं दिखा सकते, ठीक है। क्वेश्चन आएगा हम आपको याद करवा सकते हैं कि देखो हम लोग प्रॉपर्टी में ये चीज पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक एक चीज आपको थ्योरी की तरफ पढ़ लेना है, हो गया। देखिए अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, आप कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। बस पहले थोड़ा हम डिस्कस कर ले, पांच नंबर है ये, छह नंबर पे हम बात कर रहे हैं। अगर लिखा x माइनस टू, ठीक है, अंडर मॉड x माइनस टू दैट इज इक्वल टू सिक्स, दैट इज इक्वल टू सिक्स, x का वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछा गया, x का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करेंगे, ये कोई पॉइंट नहीं है अभी, हम पॉइंट डाले हैं मगर इस पॉइंट पे अभी हम लोग इस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखिएगा। देखिए अगर मॉड एक्स माइनस टू इक्वल टू सिक्स लिखा ना, हमसे पूछा एक्स क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, मॉड हटाएंगे जैसा सीखे थे बेसिक, मॉड हटाएंगे तो एक्स माइनस टू दूसरे तरफ प्लस माइनस सिक्स हो जाएगा। अब मेरा काम है एक बार प्लस लेके सॉल्व करना और मेरा काम है एक बार माइनस लेके सॉल्व करना, ये मेरा काम, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि प्लस और माइनस आएगा, अभी अभी सीखे थे हम लोग, ठीक है। तो मॉड के कारण प्लस माइनस आप निकालें, x इज इक्वल टू बोले सर 8 होगा और दूसरी जगह से आप बोले कि सर x इज इक्वल टू माइनस 4 होगा, इसका मतलब क्या। अब आगे से अगर दे दिया कि x माइनस टू इज इक्वल टू 6 तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा देखो इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू माइनस 4 और 8 मिल रहा है, फिर से एक बार माइनस 4 ध्यान रखिएगा माइनस 4 और 8 मिल रहा है, और 8 मिल रहा है, बस लिखने का तरीका बदल दिए और कुछ नहीं किए, लिखने का तरीका बदल दिए। हमको माइनस 4 मिला तो कैसे मिला, ये 2 उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करके मिला, हमको 8 मिला कैसे मिला, 2 प्लस 6 करके मिला। अगर हम इसी के बेसिस पे अब पॉइंट को जनरल करके बात करें कि अगर कभी भी इफ x माइनस r इज इक्वल टू k होता है तो क्या हमको कोई बता सकता है कि x इज इक्वल टू क्या होता है। यहां देखिए, यहां आंसर दीजिए सर, 1 होगा तो हम ऐसे लिखे ऐसे r माइनस के और 1 आएगा r प्लस के, तो फॉर्मेट दिख जाएगा ना कि r प्लस माइनस के हो रहा है, ठीक है, r प्लस के और r माइनस के, तो x हमको क्या मिला r प्लस और माइनस के, ये मेरा आंसर। अब देखिए ये चीज अगर आपको याद रहा, जैसा आप अभी समझे तो इसको समझ के आप आंसर दिए, आपको अगर याद रहा कोई आपसे पूछेगा देखो बाबू क्या हुआ ना कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 था तो बताओ तो x क्या होता है, आप बोलिएगा देखिए एक बार 7 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एक बार 7 में 11 को ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। हम कुछ नहीं लिखे, ये मेरा क्वेश्चन था और ये मेरा आंसर है, ऑब्जेक्टिव में हमको यही काम करना होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए खास करके हम आपको बोले अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं वो इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप क्वेश्चन को शॉर्टकट में बना सके, प्रॉपर्टी का मेन यूज वही होता है, बाकी आप जो थ्योरेटिकल प्लेस पे जितना डिस्कशन होना चाहिए था मॉड पे हो चुका है, ठीक है, बस उसी में एक दो कंडीशन चेंज करके और बात करेंगे, खत्म नहीं हुआ है, मगर प्रॉपर्टी का यूज क्या है कि आप शॉर्टकट में क्वेश्चन बना सके, ठीक है, ये इसका यूज याद रखिए। देखिए ये हम इक्वल टू के साथ बताए, अब हम थोड़ा सा ग्रेटर और लेस पे डिस्कशन कर रहे हैं, देखिए ग्रेटर और लेस पे अब डिस्कशन कर रहे हैं इसी का। तो 7th नंबर मेरा पॉइंट क्या है इसके मॉड के प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि अगर कभी भी अंडर मॉड एक्स माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो जाए, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के हो जाए, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस आर, मॉड हटा दिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लस माइनस के, अभी अभी सीखे थे कि प्लस साइन के साथ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, यानी इसका एक पार्ट होगा x माइनस आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, इसका दूसरा पार्ट होगा
x माइनस आर इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस के, माइनस के साथ इनइक्वालिटी चेंज हुआ, प्लस के साथ इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। अब हमको लिखना है केवल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर प्लस के, और हमको लिखना है x लेस देन इक्वल्स टू आर माइनस के, ये चीज और ये चीज, बस अब हमको इतना ही दिखाना है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए हम एक नंबर लाइन ले, तो हमको पता चला, बोलिए r प्लस के बड़ा कि r माइनस के बड़ा, बड़ा कौन? हाँ, हमेशा प्लस वाला बड़ा होगा, जब दो नंबर ऐड होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा होगा, और दो नंबर सब्ट्रैक्ट होगा वैल्यू हमेशा कम होता है, ठीक है, हमेशा सब्ट्रैक्शन वाला कम होगा और एडिशन वाला ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ना कि x का वैल्यू एडिशन से ग्रेटर है, तो आप इससे राइट जाएंगे, उधर ही ग्रेटर होता है, सब्सट्रैक्शन से लेस है, आप लेफ्ट की तरफ आएंगे, आपको आंसर मिलेगा कि x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से, नंबर लाइन में जैसे हम लोग सीखे थे, माइनस इंफिनिटी से r माइनस के, माइनस इंफिनिटी से r माइनस के, बोलिए क्लोज की ओपन, क्लोज, क्योंकि यहां इक्वल टू है इसलिए क्लोज, यूनियन इस पे क्लोज की ओपन, इस पे भी इक्वल टू है क्लोज, क्लोज आर प्लस के से लेके कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, ये मेरा आंसर। अब ये चीज आप पढ़ लिए जनरल फॉर्मेट में, आपसे कोई सवाल पूछा कि देखो इन इक्वालिटी का एक सवाल है बना के दिखाओ हमको, हम लोग पूछे क्या, तो बोला कि देखो लिखा क्या है ना कि एक्स प्लस वन, ठीक है, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, तो बताओ x कहां से कहां बिलोंग करेगा, x कहां से कहां बिलोंग करेगा, ठीक है, ये चीज बता, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर्स केवल चाहिए हमको, कोई कोई कंफ्यूज हो गया होगा या कोई कोई निकाल रहे होंगे, बिल्कुल बनाइए, देखिए कंफ्यूजन अगर किसी को हुआ तो आप समझे, हम x माइनस आर का बात किए, हम क्वेश्चन दिए x प्लस वन, क्या दिक्कत है, अरे x प्लस वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये मेरा r है, मेरा r कितना है माइनस वन, ऐसे करके आपको सोचना चाहिए, हर एक क्वेश्चन पे थ्योरी नहीं बताया जा सकता है ना, थ्योरी पे कैसे बदल बदल के क्वेश्चन आता है वो बताया जा सकता, तो अगर आप देखें कि यहाँ x माइनस आर था, सर तो पूछ दिए x प्लस वन, तो हम क्या करें, हम उसको ऐसा बनाएं, पहले ऐसा बनाएं उसके बाद सॉल्व करें, अब बोलिए सर, माइनस इंफिनिटी टू माइनस फोर, माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर, और टू से इंफिनिटी, टू से इंफिनिटी, ये ना, ठीक, टू से लेके इंफिनिटी, ठीक है, आप एकदम वही काम किए, देखिए क्या किया गया ना कि जो लोअर पॉइंट होगा यहाँ पे, ये सॉरी हायर पॉइंट जो होगा नेगेटिव में, ये r माइनस के होगा, तो अभी अभी हम आपको दिखाया r अपने क्वेश्चन में कितना माइनस वन, r माइनस k कौन, ये जो राइट साइड था थ्री, तो ये कुल मिला के माइनस फोर, यानी यहाँ आके रुक गया, चलिए ठीक, अब स्टार्ट कहां से होगा, तो r प्लस के से होगा, r प्लस के से होगा, r हम लोग ऑलरेडी निकाल के देख चुके हैं कितना आया था माइनस वन, और k का वैल्यू अपने पास कितना है थ्री, सॉल्व किए कितना आया टू, तो ये हुआ मेरे पास r माइनस के दैट इज माइनस फोर, और ये हुआ r प्लस के जिसका वैल्यू कितना होता है टू, तो मेरे पास आंसर आया माइनस इंफिनिटी से माइनस फोर और टू से लेके इंफिनिटी, ये मेरा आंसर है। आपको ये पैटर्न सीखना है, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसके बेसिस पे जो भी आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा आपको केवल r चाहिए k चाहिए आप आंसर दे सकते, ठीक है, नोट कर लें आप इसको, देखिए एक नंबर पॉइंट हम लिख रहे हैं मगर आंसर आपको देना, इससे पहले जैसे फॉर्मेट में किए थे ना बस उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिएगा x माइनस आर लेस देन इक्वल्स टू k, आप बताइए हमको पूरा सॉल्व करके कि x बिलोंग करेगा कहां से कहां, वो चीज अभी जैसे सॉल्व कर रहे थे एकदम उसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट निकालिए, नहीं गलती हो गया, ध्यान से सुभजीतता, यहाँ पे यहाँ इन इक्वेशन देखना है, ये लेस है, इससे पहले ग्रेटर पे बात किए थे उस पे ध्यान रखना है, आ,
लगभग आप एकदम ठीक बोले, आपको बोलना चाहिए था आर माइनस के से आर प्लस के बोलना चाहिए, और शायद आप यही बोले, बस आवाज क्लियर नहीं आया था इसलिए हम बोले शायद आप यही बोले। ये होगा, ये होगा, देखिए कैसे होगा, एक्सप्लेनेशन दे रहा है, मॉड हटा, मॉड हटा, इधर प्लस माइनस लग गया, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करेंगे प्लस के साथ, तो x माइनस आर लेस देन इक्वल्स टू के, आर उधर गया, x लेस देन इक्वल्स टू आर प्लस के, ठीक है, आर प्लस के, ये मिल गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट माइनस के साथ, x माइनस आर इज लेस, सॉरी ग्रेटर, ग्रेटर ना, ग्रेटर देन माइनस के, आर उधर गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर माइनस के, ये दूसरा, ठीक है। नंबर लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन है मेरा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, उसमें आर प्लस के आर माइनस के, छोटा कौन आर माइनस के, बड़ा कौन आर प्लस के। अब ये क्या कह रहा है कि आर माइनस के से ग्रेटर, एक्स इज ग्रेटर देन एक्स माइनस आर माइनस के, तो ग्रेटर मीन्स राइट जाएंगे। दूसरा कह रहा है एक्स लेस देन इक्वल्स टू आर प्लस के, लेस मतलब लेफ्ट आएंगे, दोनों का कॉमन पार्ट हमको ये दिख गया, मेरा आंसर होगा x बिलोंग्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम r माइनस के, क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज, सॉरी इक्वल टू है तो क्लोज और एंडेड एट r प्लस के, और यहां पे भी इक्वल टू है तो ये भी क्लोज, ये होगा मेरा आंसर, ठीक है। देखिए अब आपको एक समरी दे, लेस का मतलब स्टार्टिंग एंड पॉइंट डिफाइंड, स्टार्टिंग एंड पॉइंट डिफाइंड, ग्रेटर अगर लगा रहेगा मॉड में, ग्रेटर लगा रहेगा इसका मतलब माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी में बीच में कहीं रुकेगा। कोशिश कीजिएगा, एक दो क्वेश्चन है, ठीक है, अपने से ट्राई कीजिए। 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, बोलिए स्टार्टिंग एंड पॉइंट कांस्टेंट होगा कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में से कुछ होगा, पहले वो बताइए। हाँ वो होगा क्योंकि ग्रेटर लगा हुआ है, आप इसको सॉल्व करके हमको आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन है, टू नंबर हम क्या ले रहे हैं वो देख लीजिए, टू टाइम मॉड एक्स प्लस थ्री सॉरी माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, बोलिए क्या होगा, नहीं पता, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उल्टा सीधा जो आंसर आए लाने का कोशिश कीजिए, मगर आंसर सबका आना चाहिए, किसी का 2 आ जाए, 3 आ जाए, 0 आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, माइनस इन्फिनिटी जाए, कोई दिक्कत, ठीक है, बस जो आ रहा है आप लेके आइए, हमको दोनों का आंसर बताइए, बस क्या होगा आंसर, ऐसा होना चाहिए x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू टाइप का, ठीक है। नहीं आया, चलिए सेकेंड वाला हम सॉल्व कर दे रहे थे, ठीक है, अगर दिक्कत हो रहा है तो देखिए, 2 mod x minus 3 greater than equals to 7, ये minus 3 mod में नहीं है, ये mod x अकेला टर्म है, इसको यही रहने देंगे, 2 mod x, बोलिए बोलिए सर, minus 5 to 7 by 6, ये वाला नहीं, अच्छा यहां तक पहुंच ही गए, हम आंसर ला देते हैं, ठीक है, एक बार चेक कर लिया जाएगा हम लोग दोनों को, ठीक है। देखते हैं, mod x greater than equals to 5, तो x greater than equals to plus minus 5 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, देखो x greater than equals to 5 और x less than equals to minus 5, ये है minus 5 और 5, 5 से greater right, minus 5 से left, ठीक है, less, तो x belongs to minus infinity से minus 5 close, क्योंकि equal to है, और union close 5 से लेके infinity, ठीक है, ये आंसर होगा इसका, सेकेंड वाले का ये आंसर होगा। इसमें देखिए हम आपको ध्यान दिलवाएं, 2x minus 3 complete mod में था तो अपना property लगाया, 2 mod x minus 3 इसमें केवल mod x है, x mod में है, और यहाँ 2x minus 3 mod में, दोनों में क्या difference है वही चीज दिखाना था इस question, ठीक है। और ये वाला first वाला तो जैसा आपका answer आया था एकदम सही है ये, ठीक है, ये answer ठीक है, क्योंकि हुआ क्या वो समझा दे आपको, देखिए 3 में से 7 subtract हुआ, minus 4 by 2, minus 2 तक जाएगा, 3 में 7 ऐड हुआ 10, और 10 डिवाइडेड बाय 2 किए तो वो 5 तक गया, इसी कारण से ये आंसर आया। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मगर इसमें थोड़ा सा आपको काम करना था, देख लीजिए किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लें आप, नहीं एक ग्राफ बनाना है, देखिएगा किसका, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का, 3x माइनस 2 का,
ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या सिखाए थे, अगर x का पावर 1 होता है तो ये लीनियर ग्राफ होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा तो हमको x और y का कुछ वैल्यू लेना है। एक बार x 0 तो y का वैल्यू आया -2, एक बार y 0 तो x का वैल्यू आया 2/3। ठीक है, ये चीज सीखे थे। कोई बताएगा हमको ये कौन से एक्सिस का पॉइंट है? ये वाला, ये वाला एक्स वाई, एक्स वाई 0-2 कौन से एक्सिस का पॉइंट? नहीं, अच्छा ठीक है, नहीं क्वाड्रेंट नहीं, एक्सिस होगा इसमें, एक्सिस होगा। ये कौन से एक्सिस? तो नेगेटिव वाई, एकदम ठीक, नेगेटिव वाई एक्सिस। और ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये किसका? पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एकदम ठीक। अगर हमको ग्राफ बनाना है तो हम नेगेटिव वाई एक्सिस पे 0-2 लेके चलेंगे, या कहीं 0-2। अगर हमको ग्राफ बनाना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 0 2/3 लेके चलेंगे, या कहीं 2/3 एक्स पहले ना बाद में 0, और इसको हम मिला दिए तो ये मेरा ग्राफ बन गया, ये एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इट इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 3x-2। ठीक है, इस तरीके से। बस छोटा सा पार्ट था, क्योंकि मॉड में आप देखे थे पिछले क्लास में कि ग्राफ भी यूज होता है, इसलिए ग्राफ ले लिए। अब इतना पार्ट ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस है, इसमें से कुछ डाउट है तो आप पूछिए, नहीं तो अगले प्रॉपर्टी पे आगे बढ़ेंगे। अब हो गया, स्क्रीनशॉट भी ले लिए। देखिए नेक्स्ट शायद 9 नंबर होगा प्रॉपर्टी। अगर अंडर मॉड एक्स प्लस वाई लिखा है, मॉड के अंदर दोनों वेरिएबल है, ठीक है, मॉड के अंदर अगर दोनों वेरिएबल है तो इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर मॉड एक्स प्लस अंडर मॉड वाई। ठीक है, क्या हुआ कि मॉड के अंदर दोनों टर्म का एडिशन छोटा होता है या उसके बराबर होता है जब मॉड एक्स और प्लस मॉड वाई से सेपरेट। कंडीशन क्या है कि x should be greater than 0, y greater than 0, या फिर x less than 0, y less than 0, और xy जो है should be greater than 0, ये होना चाहिए। ये कंडीशन के साथ ही एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट 10 नंबर में देखिएगा, x minus y is greater than equals to mod x minus mod y, ये ऐसा होता है। ठीक है, ये इससे ग्रेटर होगा, ठीक है, मगर अंदर वाला पार्ट लेस होता है इस पार्ट से। अब देखिए इसके लिए भी कंडीशन सेम, ठीक है, सेम कंडीशन जो ऊपर लिखी है वही कंडीशन इसमें भी लाई करेगी। अब अगर दोनों को एक साथ मर्ज कर दे तो थोड़ा सोच के बताइए कौन सबसे बड़ा, दोनों को मर्ज कर दे सबसे बड़ा कौन? नहीं बता ये, नहीं नहीं ये वाला ना, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई सबसे बड़ा, उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा अंडर मॉड एक्स प्लस वाई, इससे छोटा, ठीक है, इससे छोटा अंडर मॉड एक्स माइनस वाई, उसके बाद सबसे छोटा अंडर मॉड एक्स अंडर मॉड वाई, और ये भी मॉड में रहेगा। ठीक है, ये मॉड में रहेगा। क्यों मॉड में डाले? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव हो रहा है मॉड के कारण। यहां पे अगर मॉड एक्स माइनस मॉड वाई में कोई बड़ा या छोटा हो गया, वैसे केस में नेगेटिव आ सकता है ना, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड रखिए। ये सीक्वेंस चलता है, ठीक है, ये सीक्वेंस होगा कब के लिए? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, कारण है अगर बाय द वे यहां पे एडिशन हुआ, यहां पे एडिशन हुआ और यहां सबस्ट्रैक्शन हुआ, देखिएगा मेरी बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। x अगर 2 ले लें, y 3 ले लें, देखिए 5 और यहां कितना आया -1, तो वो सेटिस्फाइड। अगर y -3 ले लें, अब ये कितना आया, x प्लस वाई कितना आया, कोई भी बताए x प्लस वाई कितना आया, ऐड कीजिए -1, और x माइनस वाई कितना आया, x माइनस वाई 5, तो ये -1 आया, तो मॉड के कारण +1 हो जाएगा, ये 5 आ गया। समझ में आ रहा है ना आपको? तो कैसे ये कंडीशन फिर फुलफिल होगा, इसलिए हम बोले x पॉजिटिव और y पॉजिटिव होगा तब ये होगा।
अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाए तो ये वाला चीज चेंज कर जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर से एक बार हम वही चीज बोल रहे हैं, देखिएगा, अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव है तब जाके ये, नहीं तो फिर हेरा फेरी इसमें होता है और कहीं नहीं होता है। अगर मॉड x प्लस मॉड y है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ये आगे पीछे हो जाएगा, x माइनस वाई बड़ा हो जाएगा और इससे छोटा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा तो जो है उसमें हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो तो रहेगा। देख रहे इसको, इसको और इसको देखिए, अलग अलग हो गया, ये फर्स्ट सेकंड की जगह चला गया और सेकंड फर्स्ट की जगह आ गया, मगर कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और y लेस देन इक्वल टू जीरो हो तब। अगर y मेरा नेगेटिव हो गया, अभी आप नंबर पे देखे थे, अगर x मेरा 2 हो गया और y मेरा माइनस 3 हो गया, तो वैसे केस में x माइनस वाई हमको मिलेगा 5, वैसे केस में x प्लस वाई हमको मिलेगा माइनस 1। तो आप ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन के साथ x पॉजिटिव y नेगेटिव, इस कंडीशन के साथ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन x प्लस वाई मिल रहा है, और इसी कारण से यहाँ पे इंटरचेंज होता है। तो जब आपके पास ऐसा कोई एक टर्म लिखा रहेगा, ऐसा कोई एक टर्म लिखा रहेगा, तो चेंज कहाँ होगा? बस ये मिडिल में। मगर आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू और आपका लीस्ट वैल्यू कभी नहीं चेंज करता, ठीक है, ग्रेटेस्ट और लीस्ट कभी नहीं चेंज करता। मतलब चाहे मेरे एक्स और वाई का कुछ भी वैल्यू रहे, हम ये कह सकते हैं, अपना एक स्टार पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ऑलवेज ग्रेटर देन अंडर मॉड एक्स माइनस वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर मॉड एक्स प्लस वाई, ये हम कह सकते हैं। अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक्स बड़ा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा ट्रू होगा। और इसी को कहा जाता है ग्रेटेस्ट वैल्यू, दो नंबर का ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा मॉड में, ग्रेटेस्ट वैल्यू। कोई बताएगा लीस्ट वैल्यू? लीस्ट वैल्यू कोई नहीं, लीस्ट ये है, ये सबसे छोटा है, देख रहे हैं, पढ़ने का तरीका रखिए ना। देखिए क्या बोला, दिस पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, इसका मतलब ये सबसे बड़ा, दिस पार्ट इज लेस देन एक्स माइनस वाई, इसका मतलब ये सबसे छोटा। तो लीस्ट वैल्यू कौन होगा? लीस्ट वैल्यू मेरा मिलेगा अंडर मॉड एक्स अंडर मॉड वाई का होल मॉड, मॉड का, दो मॉड का सबसे लीस्ट वैल्यू ये होता है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू ये होता है, ठीक है, नोट कर लिया आप इसको, आप बढ़े थोड़ा, मेन प्रॉपर्टी यही था, डील हो गया। कुछ डाउट या कोई भी लाइन अगर ऐसा जो नहीं समझ में आया या यूज नहीं पता चल रहा, आप हमसे पूछ लें, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कहां यूज करेंगे कैसे करेंगे। देखिए पिछले क्लास में मॉड को डील किए थे, मॉड का प्रॉपर्टी बताए थे, मॉड को रीडिफाइन करना सिखाए थे, फिर उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज अभी हुआ जो मेनली यूज होता है कॉम्पिटिशन सेक्शन में, और पिछले क्लास में ग्राफ भी हम लोग पढ़ लिए थे कि मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट फंक्शन पे बढ़ते हैं। मॉड से रिलेटेड किसी को कोई डाउट भी था, घर पे पढ़े थे तो कोई पॉइंट ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक, नेक्स्ट फंक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शन के टाइप्स में ही हमको ध्यान नहीं आ रहा है कितना फंक्शन हम लोग पढ़ लिए थे, स्क्वायर हुआ था, स्क्वायर रूट हुआ था, कॉन्स्टेंट हुआ था, लीनियर हुआ था और मॉड हुआ था, पांच हुआ था ना, नहीं यार? Yes. हाँ पांच हुआ। Yes. चलिए ठीक है, तो सिक्स्थ नंबर पे बढ़ते हैं ना, सिक्स्थ नंबर पे बढ़ते हैं। देखिए कौन आ रहा है, नाम है उसका सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ये अपने कैरेक्टर के साथ जाना जाता है और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सिग्नम, ठीक है, एस जी एन सिग्नम, इससे सिग्नम फंक्शन को पहचानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स दिया, दैट इज इक्वल्स टू, बहुत ध्यान से, मॉड एक्स बाई एक्स, मॉड एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज इक्वल्स टू जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। आपको याद होगा पीस वाइज फंक्शन में आपको ऐसा फंक्शन हम बताए थे जो डिफरेंट कंडीशन के साथ आता है, अगर x का वैल्यू जीरो नहीं है
जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा है या फिर एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा है। ये दोनों चीज, ये दोनों चीज इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है। तो अगर एक्स जीरो से छोटा है या बड़ा है तो वैसे केस में मॉड एक्स बाई एक्स फंक्शन का पार्ट होगा। अगर x इक्वल टू जीरो है तो एफ एक्स का वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। यानी कि अगर x का वैल्यू हम 3 ले लें, x का वैल्यू अगर हम 3 ले लें तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? हम एफ एक्स इज इक्वल टू बोलेंगे कि मॉड एक्स बाई एक्स होगा। कैसे पता? तो x इक्वल टू 3 इज ग्रेटर देन 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, वैसे केस में फंक्शन का ये पार्ट यूज आएगा, मॉड एक्स बाई एक्स। अगर x का वैल्यू बोला -1 ले लो, कोई बताएगा हमको फंक्शन क्या यूज करें? फंक्शन मॉड एक्स बाई एक्स ही होगा, एकदम ठीक। आप आइडेंटिफाई कर लिए कि कब कौन से वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन का पार्ट यूज करना है। चलिए ठीक है, ये होता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम इन वेरिएबल। अब सिग्नम आपको दिखा रहे हैं इन कॉन्स्टेंट फॉर्म, ठीक है, बहुत ध्यान से। एफ एक्स दैट इज इक्वल टू, हम इसको अब दो पार्ट में तोड़ेंगे, ध्यान से, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, और थर्ड मेरे पास x इक्वल टू 0 है ही, ठीक है। अगर x लेस देन 0 होता है, अगर x लेस देन 0 होता है, कोई बताएगा मॉड x किसके बराबर होता है? इफ x लेस देन 0, कोई बताएगा मॉड x क्या होता है? प्लस x होता है कि माइनस x होता है? नहीं पता, पिछले क्लास वाला चीज आप भूल गए लगता है। एकदम मॉड एक्स का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, मॉड एक्स का एकदम जो फर्स्ट लिखना स्टार्ट किए थे उसी टाइम में आपको बताए थे कि अगर एक्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, याद कीजिएगा, मॉड एक्स ऐसे दो पार्ट में टूटा था कि ये माइनस एक्स होगा और एक बार प्लस एक्स होगा। तो माइनस एक्स कब? जब एक्स लेस देन 0। प्लस एक्स कब? जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे लिखाया गया था आपको, ठीक है, फंक्शन के फॉर्म में। तो अभी हम पूछे अगर x लेस देन 0 है, इस पे बात करो, x लेस देन 0 है तो मॉड x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? माइनस x लिखेंगे, ठीक है, माइनस x। तो हम क्या किए कि मॉड x आप देख रहे हैं ना, उसके जगह पे माइनस x लिखेंगे और नीचे x होगा। अब अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? देखिए वहां पे बोलिए क्या लिखा है, प्लस एक्स बाई एक्स। और अगर x इक्वल टू 0 है तब तो कुछ करना ही नहीं है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसा हुआ, ठीक है, तो थोड़ा सोच के बताइएगा अब कि क्या हो रहा है। माइनस एक्स बाई एक्स सॉल्व करेंगे, माइनस 1 कब का बार? जब x लेस देन 0 होगा। प्लस एक्स बाई एक्स 1 होगा, कब का बार? जब x ग्रेटर देन 0 होगा। एंड इट प्रोवाइड 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पे कांस्टेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट फॉर्म, ये कांस्टेंट फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन है, ऑफ सिग्नम फंक्शन है, ठीक है। और ये होता है वेरिएबल फॉर्म, इसको कहते हैं हम लोग वेरिएबल फॉर्म। ये वेरिएबल फॉर्म ऑफ सिग्नम फंक्शन है, ठीक है, सिग्नम फंक्शन का वेरिएबल फॉर्म मॉड एक्स बाई एक्स और 0, और सिग्नम का कांस्टेंट फॉर्म -1 व्हेन एक्स लेस देन 0, +1 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, और 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो टाइप से सिग्नम को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ग्राफ बनाने का बात आएगा और उस पर डोमेन रेंज पे भी डिस्कस करेंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे, उसको समझिएगा, सीखिएगा, ठीक है। जब भी ये दिया रहता है ना, कोई भी वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू मतलब वाई का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले y इक्वल्स टू -1, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू -1 का, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल्स टू 1 का, और हमको ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू 0 का, y इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए तीनों चीज एक साथ हम कैसे लेके चलते हैं, हाँ, y इक्वल टू -1 आपको बताया गया था, अगर y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो इट ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस, ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा। कहां से जाएगा? -1 से, भेज दीजिए यहां, 0 -1 से पार हुआ, पैरेलल टू x एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये y एक्सिस,
x के पैरेलल और कहा माइनस वन से यानी ओरिजिन से एक यूनिट नीचे से गया, फिर y इक्वल टू वन ऊपर से जाएगा और पैरेलल टू x एक्सिस, कौन सा पॉइंट जीरो, यहां से जाएगा। ठीक, अब थोड़ा हम कंडीशन लगाते चलेंगे, बस अब कंडीशन लगा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए y माइनस वन होगा जब x लेस देन जीरो होगा, y माइनस वन होगा जब x लेस देन जीरो होगा। x लेस देन जीरो y एक्सिस के लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? नहीं समझे, अच्छा कोई बात नहीं, नंबर लाइन जानते हैं, जीरो जानते हैं, बोलिए x जीरो लेफ्ट साइड होगा कि राइट साइड होगा जीरो के? लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड। ये जो x एक्सिस होता है ना, ये नंबर लाइन की तरह ही होता है, बीच में देखिए यहाँ ओरिजिन होता है। तो अगर इसी को हम y एक्सिस बोलेंगे तो y एक्सिस के लेफ्ट में x नेगेटिव होता है, तो x नेगेटिव इस एरिया में, ध्यान रखिएगा इस एरिया में x नेगेटिव है, उसके लिए y इक्वल्स टू माइनस वन होगा, यानी नीचे वाला ग्राफ एग्जिस्ट करेगा और इधर से हट जाएगा, केवल नीचे वाला ग्राफ नेगेटिव x की तरफ जाएगा और बाकी हट जाएगा। तो पॉजिटिव वन का क्या होगा, पॉजिटिव वन नहीं हो सकता इसमें। जब भी हम y से लेफ्ट यानी लेस में जाएंगे, ठीक है, यानी x लेस देन जीरो नेगेटिव x, तो मेरा ग्राफ किसका एग्जिस्ट करेगा, माइनस वन का। माइनस वन का ये ग्राफ है, माइनस वन का ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या लिखा है, y इक्वल्स टू माइनस वन, ये इधर चलेगा। अच्छा, अब इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे y इक्वल्स टू वन। तो y इक्वल्स टू वन किसके लिए, पॉजिटिव x के लिए, और पॉजिटिव x राइट जाता है कि लेफ्ट जाता है, राइट साइड में जाता है। तो y इक्वल्स टू वन इधर राइट साइड में जाएगा, लेंगे। अच्छा, यहां पे ये इंक्लूड नहीं होगा, कैसे पता चला इंक्लूड नहीं होगा, कहां इक्वल टू लगा है, इक्वल टू तो लगा नहीं है, ठीक है, तो इंक्लूड नहीं होगा ये वाला, ये भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा। अब दो लाइन बन गया, ये बन गया, ये बन गया, अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है बहुत ध्यान से, एक्स जीरो तो वाई भी जीरो, एक्स जीरो तो वाई भी जीरो, लाइन होगा कि पॉइंट होगा, पॉइंट होगा। और कौन सा पॉइंट जहां एक्स वाई दोनों जीरो होता है, ओरिजिन, कौन सा पॉइंट जहां एक्स वाई दोनों जीरो होता है, ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है। तो देखिए मेरे ग्राफ का पार्ट हम आपको दिखा रहे हैं, मेरा ग्राफ इसको छोड़ के राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है y इक्वल्स टू वन, मेरा ग्राफ इस पॉइंट को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है, इट इज y इक्वल्स टू माइनस वन। ग्राफ में हम आपको पहले भी बताए थे कि कभी भी हम लोग एक्सिस को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो अब देखिए बिना एक्सिस ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन बिना एक्सिस, देखिएगा यहां से राइट की तरफ जाएगा, फिर यहां से लेफ्ट आएगा, यहां से लेफ्ट आएगा और बीच में एक पॉइंट होगा। देखिए ऐसा होता है ग्राफ सिग्नम का, मगर हम लोग इसको ऐसे बनाते नहीं है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा ये प्लस वन कैसे हुआ, ये माइनस वन कैसे हुआ, तो उसको हम लोग एक्सिस पे बनाते हैं, मगर सिग्नम का ग्राफ इतना ही होता है, उसको एक्सिस पे कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, यानी कि ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोई रोल नहीं, वो केवल मेजरमेंट के लिए यूज में आता है। तो ये है मेरे पास ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। बोलिए कंटिन्यूअस के डिसकंटिन्यूअस। देखिए ये वर्ड ना बहुत जनरल है मैथमेटिक्स में, तो कंटिन्यूटी एक पूरा चैप्टर है, क्लास 12 में पढ़ना है, मगर ये वर्ड काफी जनरल है। देखिएगा हम लाइन खींच रहे हैं, कंटिन्यूअस है, जैसे हम छोड़ दिए देखिए डिसकंटिन्यूअस हो गया, टूट गया, जंप कर गया, होल आ गया, उसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। इसको पढ़ेंगे ना, ग्राफ मेरा यहां से यहां तक टूट गया, ठीक है, बस उसी को। अब देखिए ग्राफ ऐसे चल रहा था, यहां से छोड़ के यहां से स्टार्ट हो, ये टूट गया, ये डिसकंटिन्यूअस है, इसको डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। तो अपने पास ये जो सिग्नम फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ग्राफ बनाना हो आप बिल्कुल ऐसे बना या फिर ऐसे,
सोच के जवाब दीजिएगा, हर चीज आपके सामने है, ठीक है। हमको क्या क्या चाहिए वो देखिएगा। सिग्नम, सिग्नम वन का वैल्यू बोलिए तो कोई भी, सिग्नम वन का वैल्यू नहीं बना। देखिए फंक्शन का नाम क्या है, सिग्नम फंक्शन। एक एक नोटेशन जो कि क्वेश्चन में आता है, जो एग्जामिनेशन में आता है, सब आपको बताएंगे। हो सकता है कभी कभार आपसे पहले पूछ ले, ठीक है, मगर बताएंगे तब जाके आपको है ना सब चीज पता चलेगा, हाँ वाकई में क्या है। सिग्नम एक्स को ही यहां एफ एक्स लिखे और वो इतना होता है। अब अगर हम सिग्नम वन पूछे तो आपको क्या समझ में आया आप ये बता दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो बोलिए सर हमको नहीं समझ में आया, क्या बोला इसका, हाँ इसका मतलब यही समझ में आया ना कि x इक्वल्स टू वन। अब x इक्वल्स टू वन लेस देन जीरो की ग्रेटर देन जीरो की इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो में फंक्शन कितना है, ग्रेटर देन जीरो फंक्शन वन, तो सिग्नम वन का वैल्यू वन होगा। अब बताइए तो थोड़ा सोच के, वैसे ही सिग्नम सेवन का वैल्यू बोलिए तो वन 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 वन। देखिए सेवन जो है वो ग्रेटर देन जीरो होगा, सेवन ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर वो इस एरिया से बिलोंग करेगा तो फंक्शन का वैल्यू हमेशा वन होगा। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो सिग्नम का वैल्यू हमेशा वन होगा, हमेशा, ठीक है। तो सिग्नम सेवन का वैल्यू भी वन आया। कोई बताएगा सिग्नम 700 कितना होगा, 700 वन ही होगा। अब जाके आप समझे, यानी कि ये अंदर वाला पार्ट, ये जो अंदर में एक्स का वैल्यू लिखा है वो अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो कितना भी बड़ा वैल्यू हो सिग्नम वन ही देगा, अगर वो लेस देन जीरो हो जाए तो कितना भी छोटा वैल्यू हो सिग्नम हमेशा माइनस वन ही देगा। उसी बेसिस पे थोड़ा एक दो और यहां पूछ ही लेते हैं, ठीक है। कोई बताएगा हमको सिग्नम माइनस इलेवन कितना होगा, माइनस वन होगा। कोई बताएगा सिग्नम जीरो, सिग्नम जीरो जीरो होगा, सिग्नम जीरो, सिग्नम जीरो कितना होगा, जीरो। ऐसे वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है, और ये इसका सिग्निफिकेंस है। मतलब आप इधर एक्स को कितना भी बढ़ाते जाए वाई हमेशा क्या देगा, वन देगा। आप एक्स को कितना भी घटाते जाए वाई हमेशा क्या देगा, माइनस वन। वाई का मतलब फंक्शन का वैल्यू। अगर आप एक्स जीरो लेते हैं तो वाई कितना देगा, जीरो। इट इज द ओरिजिन, जीरो। नोट कर लें आप, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर डोमेन पे बात करते हैं इसी का, यहीं पे। देखिए अब आप लोग को इसका डोमेन पे बात करना है, ठीक है, डोमेन, डोमेन और रेंज। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, डोमेन का मतलब होता है एक्स, ठीक है, यहां यहां पे डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स वैल्यू। आपको ग्राफ में देख के क्या लग रहा है कि एक्स कहां से कहां वैरी कर रहा है, हाँ एक्स कहां से कहां वैल्यू कर, बोलिए बोलिए, नहीं, एक्स लेस देन जीरो है मतलब पूरा नेगेटिव, एक्स ग्रेटर देन जीरो है मतलब पूरा पॉजिटिव, और एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर तीनों को मिला दें, तीनों को मिला दें तो एक्स का वेरिएशन कहां से कहां है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, एकदम ठीक। अगर तीनों को मिला दें, अगर तीनों को मिला दें तो ये तो कंप्लीट नंबर लाइन बन गया। तो यहां पे x बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर। क्या आप में से किसी को दिक्कत, पूरा नेगेटिव आया, पूरा पॉजिटिव आया, जीरो आया, इसलिए वो रियल नंबर हुआ, ठीक है। तो हम डोमेन यहां पे बोलेंगे ऑल रियल नंबर, बस उसी के बेसिस पे, ठीक है, यहीं पे हम डील कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे हम लोग डोमेन बोलेंगे ऑल रियल नंबर। तो यहां पे बात कर रहे हैं हम डोमेन का, एक मिनट देख, डोमेन, डोमेन बिलोंग कर जाएगा और रियल नंबर। किसी को दिक्कत होगा आप जरूर पूछिएगा। अब सवाल आया रेंज का, कि रेंज कहां से कहां बिलोंग करेगा। तो रेंज के लिए आपको बताए थे कि जो भी मेरे फंक्शन का वेरिएशन होगा, जो वैल्यू होगा, उतना ही मेरा रेंज होता है, ठीक है, उतना ही रेंज होता है। आप अगर फंक्शन को देखें तो आप थोड़ा सोचिए, फंक्शन माइनस वन, वन
और जीरो छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के क्या और कोई वैल्यू दे सकता है? 2, 3, 5, 7 ऐसा कुछ भी वैल्यू दे सकता है, हाँ कि ना? नहीं दे सकता। यानी कि फंक्शन जब देगा तो ये तीन ही वैल्यू देगा, फंक्शन ये तीन ही वैल्यू देगा, तो इसका जो रेंज है ना वो कोई इंटरवल नहीं होता है बल्कि सेट होता है, किसका? -1, 0 और 1। यानी आप डोमेन मतलब x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर डाल दीजिए, कितना भी बड़ा या छोटा, फंक्शन आपको या तो -1 या 0 या फिर 1 ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है? तो इसलिए सिग्नम का रेंज सेट ऑफ -1, 0 और 1 होता है, ठीक है? ये हुआ डोमेन और रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन। कुछ डाउट तो पूछा जाए, सिग्नम क्या होता है वो बता दिए, ग्राफ बता दिए और उसके साथ डोमेन और रेंज हो गया। दो छोटा सा और अलजेब्रिक फंक्शन है उसको खत्म कर लिया जाए। 7 है क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन बहुत छोटा, fx = x³ टाइप का, एकदम बेसिक और वेरिएशन नहीं, fx = x³ टाइप। इसका ग्राफ कैसे जाता है वो देखिएगा। इसको हम y = x³ लिख सकते हैं। देखिए सोचने का प्लेस कैसे होता है, एक्स अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो वाई भी मेरा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? सोचने का तरीका ऐसे ही होता है। अगर एक्स हम नेगेटिव ले लें तो हमको लगता है वाई भी मेरा नेगेटिव आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब लास्टली हमको देखना ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं, एक्स की जगह जीरो रख दिए तो वाई मेरा जीरो आ गया, इसका मतलब है कि ये पास करेगा कहां से? ओरिजिन से, पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेगा। ये होता है चेक करने का तरीका, ठीक है? अब उसके बाद क्योंकि ये x³ है, तो ऐसे केस में ये इस तरीके से आता है और ऐसे जाएगा, ठीक है? ये एकदम नीचे नहीं गिर जाएगा, ठीक, ये बढ़ता जाएगा, एकदम से ना वर्टिकली नीचे नहीं गिरता है, कभी भी वर्टिकली नीचे नहीं गिरता है, ठीक है? ये इधर साइड में चलता जाएगा, और ये भी है ना एकदम वर्टिकली ऊपर की तरफ नहीं होता है, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है? ऐसा कुछ ये होता है ग्राफ। अब ये मेरे पास y एक्सिस था, ये मेरे पास x एक्सिस था, तो ये जो मेरे पास ग्राफ का एक नेचर दिखा ऐसे घूम के, ओरिजिन से पास किया फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, ये है y = x³। सोच के बताइए, कोई डोमेन बता दे, तो डोमेन ऑल रियल नंबर, एकदम सही है, ठीक है? एकदम सही है। देखिए जिनको नहीं समझ में आया वो समझिएगा, आप देखिए ग्राफ मेरा इधर बढ़ते जा रहा, हम दिख रहे हैं इधर मगर जा रहे हैं इधर, ठीक है? एक्स ना बढ़ रहा है तो एक्स कहां दिख जाएगा? इंफिनिटी। ये ग्राफ मेरा इधर पीछे की तरफ आया मतलब ये -∞, तो -∞ से +∞ सब, इसका मतलब डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर, डोमेन पूरा रियल नंबर होगा। रेंज, रेंज का मतलब होता है वाई का वेरिएशन, उसको देख के बताइए क्या होगा रेंज? ये भी ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि ये जो पार्ट जा रहा है ये ऐसे जाएगा ऊपर भी जा रहा है, x भी बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, ठीक है? ये नीचे की तरफ आ रहा है, x घट रहा है y भी घट रहा है, यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी और रियल नंबर। दूसरा एक और चीज आपको दिखाते हैं, हम तो आपको फॉर्मूला भी बताए हैं, फॉर्मेट भी बताए हैं कि डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर यहाँ पे x क्यूब को देखें, इस पे ना तो कोई रूट लगा, ना ही ये रेशनल टाइप का है, ना साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और ना ही लॉग, चारों में से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा, इसका मतलब डोमेन और रियल नंबर, ठीक है? वैसे केस में भी आपको याद रखना चाहिए कि हाँ कैसे बनता है। देखिए एक नंबर है, बस इसको ऐसे ही याद रखना है कि x क्यूब का ग्राफ होगा इधर से जाएगा ऐसे, हाँ? एक नंबर क्यूब रूट, क्यूबिक रूट, ठीक है? क्यूब रूट फंक्शन, वही क्या लिखेंगे? fx = x^3 या फिर ऐसे लिखा रहता है ना, ये दोनों क्यूब रूट है। क्यूब रूट के साथ क्या लेना देना है थोड़ा देखिएगा, ये देख रहे हैं कैसे आ रहा है, ठीक है? ये ऐसे आ रहा है, इसको ऐसे बनेगा ना, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, ठीक है? ये जो धसा हुआ पार्ट है इधर साइड में रहेगा कॉनकेव, ये ऐसे नीचे की तरफ बना, इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव डाउन,
ये नीचे की तरफ कॉनकेव डाउन, ये ऊपर की तरफ कॉनकेव अप, इसको बोलते हैं कॉनकेव अप, इसको कहते हैं कॉनकेव डाउन। कभी भी ऐसा दिखेगा तो आप उसको वो नाम दे सकते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहलाया? कॉनकेव, कॉनकेव डाउन नीचे की तरफ, और ये है कॉनकेव अप। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर तो पढ़े ही होंगे मिरर और लेंस फिजिक्स में, वही वाला कॉन्सेप्ट। ये कॉनकेव अप, तो पहचान जाएंगे कॉनकेव अप और डाउन किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्यूबिक में जहां कॉनकेव अप होता है, क्यूब रूट में उस जगह पे कॉनकेव डाउन होता है, ठीक है। क्यूबिक में जहां कॉनकेव डाउन होता है, क्यूब रूट में वहां पे कॉनकेव अप होता है, ऐसा, ठीक है। तो ये कॉनकेव अप बन गया, ये कॉनकेव अप, और इधर साइड में कॉनकेव डाउन हो गया, डाउन। देख रहे हैं दोनों को, ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझिए क्या है। क्यूबिक में जहां अप होता है क्यूब रूट में वहां पे कॉनकेव डाउन, क्यूबिक में जहां कॉनकेव डाउन होता है क्यूब रूट में वहां पे कॉनकेव अप होता है। अगर हम दोनों को एक साथ बनाए, अभी डील बाकी है देखिएगा, अगर हम दोनों को एक साथ बनाए तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, कौन सा लाइन, कौन सा लाइन, वाई इक्वल टू एक्स खींच लीजिए। अब देखिए दोनों का नेचर, मेरा क्यूबिक ऐसे आएगा, ठीक है, और मेरा क्यूब रूट जो है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास व्हाइट वाला जो है ये मेरे पास क्यूबिक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, और ये वाला जो है दूसरे कलर में ये y इज इक्वल टू क्यूब रूट पावर वन बाई। आपको एक चीज बता दें, ऐसा ग्राफ बनने का मीनिंग क्या होता है कि क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन एक्स क्यूब एंड क्यूब रूट एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री इनवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, यानी क्यूबिक का इनवर्स क्यूब रूट और क्यूब रूट का इनवर्स क्यूबिक, तब जाके ग्राफ ऐसे बनता है। अगर आप इसको मिरर मान लें, अगर आप इसको मिरर मान लें तो आपको पता चलेगा एक ग्राफ दूसरे का मिरर इमेज है। देखिए अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज ऐसे बनेगा नीचे की तरफ, ये इमेज हो गया। अगर ये नीचे वाला मेरा ऑब्जेक्ट तो इसका इमेज ऊपर की तरफ बनेगा, मगर कौन मिरर है, ये जो डैश लाइन आपको दिख रहा है ना ये मिरर है, और ये y इक्वल्स टू एक्स। तो अगर y इक्वल्स टू एक्स को हम लोग मिरर मान के चले, एक्स क्यूब को ऑब्जेक्ट माने तो x टू द पावर 1 बाई थ्री इमेज होगा, अगर क्यूब रूट को ऑब्जेक्ट माने तो एक्स क्यूब उसका इमेज होगा, ठीक है। ये हुआ दोनों के बीच रिलेशन। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो सकता है, ठीक है, हम आपको दिखा रहे कि ये पॉइंट क्या हो सकता है। ये जो पॉइंट है ना उस जगह पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। अगर कट कर रहा है तो दोनों का वाई बराबर इक्वल कर दीजिए बस, एक्स क्यूब दैट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, ठीक है। अब इस जगह पे सॉल्व करना है तो x टू दी पावर 9 इज इक्वल टू x, तो x टू दी पावर 8 इज इक्वल टू कितना 1, तो x कितना आएगा प्लस माइनस 1, समझे, x कितना आया प्लस माइनस 1। मतलब ये हुआ ना कि ये जो पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट होगा x में 1 y में 1, ठीक है। अब सवाल रहा ये पॉइंट था, ये पॉइंट होगा x में माइनस 1 और y में भी माइनस 1, समझे, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, जहां ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है। जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है जहां कर्व एक दूसरे को कट करता है, आपको ये काम करना होगा। यहां क्या काम किए हम, एक था y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक था y इक्वल्स टू एक्स का पावर 1/3, दोनों को बराबर कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए, क्यों, क्योंकि देखिए ये तो मीटिंग पॉइंट है ना, अगर एक ही जगह पे दो कर्व मिलेगा तो दोनों सेटिस्फाइड करेगा, और सेटिस्फाइड करने का मतलब दोनों बराबर होगा। बराबर कीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स निकाल लीजिएगा पुट कीजिएगा वाई निकल जाएगा। ये हुआ ग्राफ किसके किसके लिए, क्यूब रूट और क्यूबिक का। अब डोमेन का बात था, डोमेन और रेंज, कोई बताएगा इसका डोमेन, डोमेन बहुत बढ़िया, ठीक है,
क्योंकि इसमें ऑड रूट है, आपको हम बताए थे जब रूट के लिए निकाल रहे थे तब, ठीक है, ऑड रूट है और रियल नंबर रेंज रेंज देखिए y कहां से कहां जा रहा है, क्या ऑल रियल नंबर, ये भी ठीक है। देखिए ये नीचे कभी ऐसे पैरेलल नहीं होगा, जहां पैरेलल होगा ना हम आपको बता देंगे, थोड़ा लंबा खींचिए, ये केवल बनाने का तरीका है, ये पैरेलल नहीं होगा। तो ये नीचे की तरफ ऐसे जा रहा है मतलब y घटता जा रहा है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है मतलब y बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ऑल रियल नंबर, चलिए इसको नोट कर लें, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए हमसे। देखिए अब नेक्स्ट फंक्शन पे बात करेंगे कॉल्ड एक्सपोनेंशियल, कौन सा नंबर था, 9 होगा ना, 9 एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम सुने होंगे फिजिक्स में, यूनिट डायमेंशन में ये सब वर्ड आते रहता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन एक्सपोनेंशियल है, सबसे पहला चीज पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो एक्सपोनेंशियल है, इफ इफ वेरिएबल वेरिएबल प्रेजेंट प्रेजेंट एट प्लेस ऑफ पावर, एट प्लेस ऑफ पावर, और पावर मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, एट प्लेस ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, जब एक्सपोनेंट में, जब पावर पे, नहीं बोलते एक्स का पावर टू, तो ये पावर पे इस एक्सपोनेंट प्लेस पे अगर वेरिएबल होता है, अगर वेरिएबल होता है, ठीक है, then it is exponential function, उस समय इसको exponential function बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे example के लिए लिखा है 2 to the power x, लिखा है e to the power x, 5 to the power x square plus 3, ऐसा कुछ भी, ये सब exponential। और बताते हैं exponential और कौन, x plus 1 का power x, ये भी exponential है। तो exponential का essential condition क्या, पावर में वेरिएबल होना चाहिए, बेस में कांस्टेंट भी हो सकता है वेरिएबल भी हो सकता है, मतलब नहीं, मगर पावर में क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। सबसे बेसिक, जो सबसे बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स होता है, ई एक्स, ई को हम लोग एक्सपोनेंशियल नहीं कहते हैं, इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ई का यहां पर क्या है नाम, इट इज नेपियर्स कॉन्स्टेंट, ये नेपियर्स कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू जो होता है ना ई का, ये ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3 होता है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 के करीब होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.7, आपको कहीं पुट करने का जरूरत नहीं, मगर नेचर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। ये एफ एक्स ई एक्स है एक्सपोनेंशियल। दूसरा, अगर मेरे पास जी एक्स लिखा है 2 टू द पावर एक्स या 3 टू द पावर एक्स या 4 टू द पावर एक्स, तो एक फॉर्मेट हम क्या बोलेंगे कि a टू द पावर x, a टू द पावर x, ये a मेरा कांस्टेंट, x वेरिएबल, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहां पे ये जो a है ये मे भी छोटा बड़ा नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, मगर ये तो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट, ये भी वेरी कर रहा है मगर ये कांस्टेंट, इसका अलग कैरेक्टर, इसका अलग कैरेक्टर, देखते चलिए। अगर मेरे पास लिखा है कि जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या क्या होता है थोड़ा आपको वो बता दें, देखिए, ठीक है, अगर मेरे पास एक्स, एक्स का वैल्यू वेरी लार्ज है, ए का वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ वैसा है, उस पर बात करते हैं, ए लेस देन जीरो, सॉरी ए ग्रेटर देन माइनस वन बट लेस देन वन, माइनस वन से वन के बीच में, और x जो है, ठीक है, वेरी लार्ज है, वेरी लार्ज, तो वैसे केस में इसका जो वैल्यूएशन होगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो जीरो आएगा, वैसे केस में a टू द पावर x जो होगा वो जीरो आएगा। मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग हुआ कि अगर हम कभी भी फ्रैक्शन का पावर, फ्रैक्शन नेगेटिव या पॉजिटिव, फ्रैक्शन का पावर अगर हम लोग बहुत बड़ा रखते हैं वो हमेशा जीरो होता है, वो हमेशा जीरो होता है। देखिए कैसे होता है वो समझाते हैं, डिक्लेरेशन तो देंगे, कैसे होता है वो समझिए, 0.2 का पावर 1 0.2 होता है, 0.2 का पावर 2 कितना होता है 0.04, 0.2 का पावर 3 कितना आएगा 0.001, ठीक है,
0.2 का पावर 4 कितना आएगा 0.0016। चार डेसिमल तक सबको करते हैं, 0, 1, 2, 3 चार डेसिमल तक सबको करनी है। अब पॉइंट हटा के बात कीजिए, ये 2000 है, ये 400 है, ये 80 है और ये 16 है। ऊपर से नीचे आ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? ऊपर से नीचे आ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना, घट रहा है। अब देखिए, बेस में मेरा फ्रैक्शन था और पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं, बेस में फ्रैक्शन है और पावर हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैल्यू धीरे धीरे मेरा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम लेंगे तो वो तो इग्नोर करने टाइप हो गया, इग्नोर करने टाइप हमको कहां मिल गया, फिफ्थ पोजीशन पे ही मिल गया, जब पावर 5 रखे तभी। हम तो यहां पे बोले वेरी लार्ज, वेरी लार्ज का मतलब लगभग इंफिनिटी होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का पावर बहुत बड़ा रखते हैं तो उसके एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम एक्स ए का वैल्यू, अगर ए का वैल्यू मॉड ए बोल दे, क्योंकि प्लस माइनस वाला बात हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1। वैसे केस में अगर आप x का वैल्यू इंफिनिटी ले लें, वेरी लार्ज मीन्स इंफिनिटी, अगर x इंफिनिटी है तो ध्यान रखिएगा a टू द पावर x भी इंफिनिटी आएगा, प्लस या माइनस जो आना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग a का वैल्यू एग्जैक्टली 1 ले लें, तो 1 पे पावर आप अगर कुछ भी डालते हैं, ठीक है, एनी नंबर, x कोई भी रियल नंबर है, तो वैसे केस में a टू दी पावर x हमको 1 मिलेगा। तो ये तीन केस होता है a टू दी पावर x का। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर कभी फ्रैक्शन का पावर वेरी लार्ज होता है, प्योर फ्रैक्शन का पावर अगर वेरी लार्ज होता है तो वैसे केस में वो 0 होता है। मेन काम का चीज यही है, और बहुत सारे क्वेश्चन में, यहां तक कि आईटी मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, बस ये छोटा सा बात है, अगर याद रहा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, नहीं याद रहा, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड रहता है ना कि आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्चुअल होता है, उसमें ट्रिक होता है, उसमें आपको ये चीज याद रहना चाहिए जो अभी आपको समझाया गया। चलिए ठीक है, बहुत जरूरी पॉइंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा ग्राफ का बात करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में आप देखिए दो टाइप का फंक्शन मिलेगा, एक एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स मिलेगा और एक जी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू दी पावर एक्स मिलेगा, जबकि ए यहां पे कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, 2, 3, 4 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके ग्राफ पे बात कर रहे हैं, देखिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ, एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स का ग्राफ देखिए कैसा होगा, ये ऐसे जाता है, ठीक है। यहां पे y एक्सिस है, यहां मेरा x एक्सिस है, ये जो कट करके गया ना, ये जो कट करके गया, ये पॉइंट होता है 0, 1, ये पॉइंट होता है 0, 1। अब यहां पे ये दोनों पैरेलल है, ध्यान रखिएगा, यहां पे ये पैरेलल है किसके साथ, x एक्सिस के साथ पैरेलल है, और उसके बाद ऊपर बढ़ता गया। ये होता है एक्सपोनेंशियल का ग्राफ, ई एक्स का ग्राफ, आपको दिखाते हैं कैसे, ठीक है। देखिए हम x का वैल्यू एक बार प्लस में इंफिनिटी लिए तो ex का वैल्यू क्या आ सकता है, इंफिनिटी आएगा, आप देखते चलिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा हमसे पूछिएगा। अगर हम x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी लिए तो ex का वैल्यू मेरा 0 आएगा, ex का वैल्यू 0 आएगा। देखिए कैसे आएगा, अब ये सेकंड वाला समझा रहे हैं, अगर आप e का पावर माइनस इंफिनिटी लिखिएगा तो क्या आप इसको 1/e का पावर इंफिनिटी लिख सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना, ये वाला ऐसे लिखा जा सकता है, ये वाला, ठीक हाँ। अब ये काफी बड़ा, ये काफी बड़ा, ये कैसे पता चला हमको बड़ा, e देखिए ना 2.7 होता है, 2.7 होने का मतलब मॉड ए ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर मॉड ए ग्रेटर देन 1 हो गया तो a टू दी पावर x तो इंफिनिटी जाएगा, तो नीचे इंफिनिटी आया और 1/∞, इंफिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर, 1 में डिवाइड करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, 0। समझे ये चीज, अभी जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए कि टू दी पावर माइनस इंफिनिटी 0 कैसे होता है, नहीं, अगर x का वैल्यू 0 रखें तो किसी भी नंबर के पावर में 0 हमेशा कितना देगा हमको, 1 देगा। तो देखिए x 0 और y 1 यहां पे है, उसके बाद
एक्स इंफिनिटी वाई इंफिनिटी दोनों प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे बढ़ेगा, एरो डाल के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये वाला एक्स माइनस इंफिनिटी इधर की तरफ होता है, एक्स नेगेटिव माइनस इंफिनिटी, उस समय ई एक्स जीरो होगा ना, हम कभी माइनस इंफिनिटी पहुंचेंगे और ना ही कभी वो जीरो होगा, मतलब दोनों ऐसे पैरेलल हो गए। आप ये सीखे होंगे ना कि दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन इंफिनिटी पे जाके एक दूसरे को कट करता है, पढ़े नहीं? दो पैरेलल लाइन कहां काटेगा एक दूसरे को, नहीं पढ़े हैं? बोलिए हाँ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं बोलिए। पढ़े है ना, दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करेगा, इन्फिनिटी में इंटरसेक्ट करता है, ये चीज पढ़े है ना, बस उसी पे बात कर रहे हैं, बस उसी पे बात कर रहे हैं। देखिए दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को इन्फिनिटी पे कट करेगा, उसी कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। अगर ये ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को काट देगा तो वाई जीरो हो जाएगा, अगर मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को काट देगा तो वाई जीरो हो जाएगा, मगर क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी पे कट कर रहा है तो कॉन्सेप्ट आया कि ये दोनों कैसा हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, इसलिए पीछे साइड में पैरेलल बनाएगा, तो यहां पैरेलली ऊपर की तरफ ये जाएगा, पैरेलली ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। एक और काम का चीज सुन लीजिए, याद रखिएगा पॉजिटिव का पावर अगर कुछ भी डालिएगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का पावर कुछ भी रख दीजिए, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन बड़ा छोटा कुछ भी, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहां पे मेरा ग्राफ हमेशा ऊपर की तरफ इसीलिए बना क्योंकि ई पॉजिटिव है और उसका पावर हम कुछ भी डाल दें वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ बना, ठीक है। ये है मेरा ग्राफ एक्सपोनेंशियल का, इस पर डिस्कशन अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ ले, इस पे अभी डिस्कशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। इतने के बेसिस पे अगर एफ एक्स मेरे पास ई एक्स है, कोई बताएगा इसका डोमेन, इसका डोमेन और रियल नंबर, देखते हैं कैसे। डोमेन मतलब एक्स ना, डोमेन मतलब एक्स, तो x में तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ भी आ रहा है, प्लस इंफिनिटी भी जा रहा है, और रियल नंबर आप शायद रेंज बोल रहे थे, रेंज आप जो आंसर दिए ना कि सर जीरो से इंफिनिटी होगा वो ठीक था, ठीक है, ओपन जीरो से लेके कहां तक इंफिनिटी, ये रेंज आप रेंज बोल रहे थे, कंफ्यूजन हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। डोमेन मेरा और रियल नंबर और रेंज मेरा जीरो से लेके इंफिनिटी, किसके लिए पर्टिकुलरली किसके, ठीक है। देखिए इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नोट करिए आप। एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड ही पार्ट का बात है, अगर एफ एक्स लिखा है मेरा 2 to the power x, ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसका एक ग्राफ बनाएंगे हम लोग। जी एक्स लिखा है मेरे पास 3 to the power x, एच एक्स लिखा है क्या 4 to the power x, ऐसा कुछ भी, तो आपको देख के तो पता चल गया ना कि मेरा ये जो बेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, पावर में वही एक्स का एक्स है। ग्राफ कैसे कैसे बनेगा वो सब, यहां से यहां तक सेम जाएगा, तीनों यहां से पैरेलल टू नेगेटिव एक्स, ठीक है, ये सेम जाएगा यहां तक, और ये सबके लिए 0 1 होगा सबके। अब यहां से एक ऐसे ऐसे निकल गया तो ये 2 to the power x, एक थोड़ा ऊपर हो गया 3 to the power x, एक और ऊपर हो गया 4 to the power x, समझे। बेस को अगर हम बढ़ाते जाएंगे, बेस का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, मेरा ग्राफ ऐसे उठना स्टार्ट हो जाएगा, ग्राफ जो है ये ऐसे उठना स्टार्ट हो जाएगा, मगर पीछे का जो बैक साइड होता है जो नेगेटिव एक्स की तरफ आता है वो सेम रहेगा, और कभी इसको कट करके मत दिखाइएगा, मतलब आप ऐसे मत लेके जाइएगा, ये गलत हो जाएगा, हमेशा थोड़ा सा गैपिंग दिखाना है, पैरेलल दिखाना है, ठीक है, इधर की तरफ। ये अभी आपके पास एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा एक्सपोनेंशियल देखिएगा, अगर दे दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू e to the power minus x और बोला इसका ग्राफ बना e to the power minus x, देखिए काम कैसे करना है, हम आपको समझा रहे हैं, तब जाके ग्राफ बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा।
काम हमको करना है x और y को लेके, एक बार x को प्लस इंफिनिटी लीजिए, एक बार माइनस इंफिनिटी लीजिए, एक बार जीरो लीजिए, ठीक है। यही तीन चीज अगर आपको याद हो तो यहां पे भी डील किए थे, उसी के बेसिस पे ग्राफी बनता है। देखिए y अब हमको पता लगाना है, तो e का पावर माइनस इंफिनिटी, ध्यान से e का पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है, जीरो। जीरो मतलब ये पैरेलल होगा, नहीं समझे आप इसको बताए थे अभी आप, ठीक। अब x के जगह माइनस इंफिनिटी, तो माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी, माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी, e टू माइनस ऑफ माइनस इंफिनिटी, तो e का पावर इंफिनिटी, और ये तो इंफिनिटी होता है, तो यहां इंफिनिटी आएगा। जीरो रखेंगे तो हर बार क्या आएगा, वन है, ठीक है। अब इस वैल्यू के बेसिस पे, इन वैल्यूज के बेसिस पे ग्राफ देखिए कैसे ड्रॉ करें। आपको सीखना चाहिए कहां पे पैरेलल और कहां पे वो बढ़ेगा। देखिए जिस जगह पे ये जीरो आया उस जगह पे ये पैरेलल होगा, ठीक है। तो मेरा एक्स इंफिनिटी और वाई जीरो है, एक्स इंफिनिटी और वाई जीरो, पॉजिटिव एक्स इधर पैरेलल होगा, आप यहां से लीजिए और ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। इधर साइड से लीजिए और ऊपर खींच दीजिए, पास करेगा कहां से, जीरो वन से पास करेगा। इट इज द ग्राफ ऑफ ई टू द पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट एक देखिएगा, जी एक्स मेरे पास दिया है माइनस ई टू द पावर एक्स, और इसका ग्राफ बनाने बोल रहा है। इसके लिए भी वैसे ही हम तीन वैल्यू लेंगे, एक्स वाई एक्स वाई, एक्स एक बार माइनस इंफिनिटी यहां डाल दिए, एक्स अगर एक मिनट माइनस यहां लगाना हमको, माइनस इंफिनिटी अगर रख दिए तो जीरो, अगर हम एक्स का वैल्यू इंफिनिटी रख दिए तो ये माइनस इंफिनिटी, एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो रख दिए तो ये माइनस वन, बस इतना ही डिफरेंस, ठीक है। कोई बताएगा हमको किसके पैरेलल होगा, बस इतना बता दीजिए, पॉजिटिव एक्स के पैरेलल होगा कि नेगेटिव एक्स के पैरेलल होगा। जीरो मतलब पैरेलल होगा, एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स के पैरेलल होगा। अब सवाल उठता है ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, नेगेटिव एक्स के पैरेलल होगा ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, वो डिसाइड करेगा ये। जीरो माइनस वन ऑरिजिन से नीचे होगा कि ऊपर होगा, नीचे, नीचे। यहां अब उसके बाद आपको मिल गया, आप इसको ऐसे ले अंदर खींच दे, हो गया। ये ग्राफ है मेरे पास माइनस ऑफ ई एक्स का, ये ग्राफ है माइनस ऑफ ई एक्स का। आपको ई टू दी पावर माइनस एक्स का डोमेन बता दें तो डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, जीरो से लेके इंफिनिटी तक होगा। इसके लिए अगर बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन जी बिलोंग्स टू, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ऑल रियल नंबर, रेंज ऑफ फंक्शन जी बिलोंग्स टू। हमको ये पता चल रहा है कि वाई का वैल्यू जीरो माइनस इंफिनिटी, जीरो माइनस इंफिनिटी, मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो तक जा रहा है, ये ठीक है। तो ये अपने पास एक्सपोनेंशियल का तीन ग्राफ हम आपको बता दिए। अगले क्लास में एक्सपोनेंशियल थोड़ा सा कंटिन्यू रखेंगे और मॉड लगा के समझाएंगे कि कैसे ग्राफ बनाया जाता है, ठीक है। मॉड और एक्सपोनेंशियल एक साथ मिलेगा। बोर्ड पे जितना भी ग्राफ है, कुछ डाउट है तो पूछ ले, सबका रिलेटेड डोमेन रेंज भी हम लिख दिए हैं ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। ग्राफ कैसे बना आप इसको घर पे जरूर देखिए, अगर कुछ डाउट होता है, कोई पार्ट नहीं समझ में आता है कि सर ये वाला लाइन यही क्यों पैरेलल हुआ, दूसरे तरफ होना चाहिए था, या ऐसा कुछ भी, आप अपना क्वेश्चन पेंसिल से लिख के रखिए, वहीं पे जहां आप इसको नोट करते हैं ना, अपना क्वेश्चन वहीं लिख के रखिए। अगला क्लास होगा आप हमसे पूछिए कि सर हमको वो नहीं समझ में आया कैसे गया, आप यहां कैसे बताएं कि ऊपर नहीं जाके नीचे जाएगा, हमको वो नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ भी, कोई भी दिक्कत हो अगले क्लास में बात करेंगे, तब तक पढ़ के रखिएगा इसको। चलिए ठीक है, थैंक यू।